हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि गनेशा पे कैसे हम कलरिंग करेंगे और कलरिंग भी मेटालिक कलर कैसे करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक्रेलिक ब्लैक कलर पर्ल मेटालिक कॉपर और पर्ल मेटालिक गोल्ड। सबसे पहले हम बेस कर लेंगे ब्लैक कलर से पूरे गणेशा को। ये हमारा एंटीक लुक में गणेशा बनेंगे। पूरे गणेशा को पहले हम ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे और अगर कहीं पे कलर कम लगे तो दो कोट कर लेंगे। जो भी पोर्शन रिसेस्ड हैं, अंदर अंदर हैं गहराई में, उनको भी हमें प्रॉपर कलरिंग करनी है। तो चलिए, इसमें एक ही कोट में अच्छा आ रहा है कलर, तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पूरे गणेशा को हम ब्लैक कलर करते हैं। पहले जो भी इनकी धोती की चुन्नटे हैं, जो भी थोड़ा रिसेस्ड पोर्शन है, वहां हमें बड़े ध्यान से कलर करना है कि ब्लैक कलर सारे कॉर्नर्स तक हो जाए अच्छी तरह। कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा मेटल का ही लुक देगा, इसीलिए इसे मेटालिक कलर के नाम से बोलते हैं। देखिए, ये हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। कोई भी पोर्शन अनकलर्ड नहीं रहा और बैक में भी कर लिया मैंने कलर। अब ये ब्लैक कलर सूखेगा तब हम इस पे दूसरा कलर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा गणेशा सूख गया, अब हम इस पे पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर करेंगे। उसके लिए हमें कलर जो है बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा कलर लेंगे, उसे किसी भी प्लेट में या पैलेट पे ब्रश को स्प्रेड कर लेंगे और कलर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई स्ट्रोक से हमें चलाना है, हल्के हाथों से। देखिए, जहां जहां भी थोड़ी कार्विंग होगी सारे गणेशा पे हमें इस पे चलाता जाना है, तो ये हमारा मेटालिक कलर आता जाएगा। जैसे थोड़ा लगे कि कलर लेने की जरूरत है, हम कलर और ले लेंगे ब्रश में, पर इसको हमें काफी सॉफ्ट हैंड से करना है। देखिए, ये मेरा गोल्डन कलर पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर हो गया। अब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम पर्ल मेटालिक कॉपर कलर करेंगे। हम चाहें तो इसे एज इट इज भी रख सकते हैं, एज इट इज भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा ये कलर सूख चुका है गोल्डन, अब हम इसमें पर्ल मेटालिक कॉपर कलर करेंगे। इसका भी सेम मेथड रहेगा, थोड़ा सा कलर निकालेंगे ज्यादा आगे। इसके लिए हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कलर चाहिए और ड्राई स्ट्रोक्स में चाहिए। अगर कलर हमारा ज्यादा आ जाता है तो हम किसी न्यूज़पेपर पे या ऐसे क्लॉथ पे उसे पोंछ लेंगे एक्स्ट्रा कलर को, और सेम जैसे पहले स्ट्रोक्स दिए थे वैसे ही देंगे हम इनके स्ट्रोक्स। ये दोनों कलर जब ब्लेंड हो जाएंगे तो इनकी लुक बहुत ही सुंदर आएगी। देखिए, आपको ये साइड्स तक जरूर करना है, बैक में करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो पोर्शन है वो कॉपर की शेडिंग से ना रह जाए, गोल्डन और कॉपर दोनों शेडिंग उसमें होनी चाहिए।
ब्रश को अंदर तक ले जाके हमें करना है ये कलर। देखिए बेस पे भी करेंगे हम। ये हमारा पूरा कलर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है उसमें भी हमें कॉपर और गोल्डन दोनों शेड्स दिखने चाहिए। देखिए बस ब्लैक कलर सूखने में टाइम लगता है, बाकी किसी कलर में नहीं लगता। ये आपके मेटालिक गणेश तैयार हो चुके हैं। अब हम अगर चाहें तो इनका तिलक रेड कलर से उठाएंगे और इनके हाथ में भी हम ओम लिख सकते हैं। इसके लिए हमें बड़ा फाइन ब्रश चाहिए। अब हम इनके हैंड में ओम लिख देंगे। ये देखिए ये हमारा मेटालिक गणेश तैयार हो गया है। फ्रेंड्स जब हमारे ये गणेश सूख जाएंगे पूरे कलर अच्छी तरह, तो हम इस पे क्लियर वार्निश कर देंगे। इससे हमारा ये कलर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, सील हो जाएंगे और एक शाइन आ जाएगी। उससे हम थोड़े गीले कपड़े से वाइप भी कर सकते हैं इसे। चलिए थैंक यू।